हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले मैं बताऊँगी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस बनते हैं और वो न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लेती हूँ, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हम जो इस साइड देख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट। और जो इनका फाइनली MgO बना है वो है आपका प्रोडक्ट। MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन करके कुछ चेंज ला रहे हैं अपने अंदर, वो होंगे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा? जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है रिएक्शन करने के बाद, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्टेंट हो गया और ये फाइनल हो गया आपका प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी भी अगर रिएक्शन होने के बाद कुछ नया गैस इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। कभी कभार रिएक्शन होने के बाद प्रिसिपिटेशन भी फॉर्म होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, और कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ऑर्डर या फिर एंड स्टेट भी चेंज हो सकता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेके करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर गैस इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर एग्जांपल है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम लोग जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। दूसरा हम लोग लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कभी प्रिसिपिटेट भी बन रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसका एग्जांपल है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। इसमें येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनेगा जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे तब। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है, कभी कभी कलर्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड द पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। इसमें जो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, मतलब हमको चेंज इन कलर देखने के लिए इसमें मिल रहा है। तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्वेक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। जब क्वेक लाइम को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के संग, तो उसमें क्या होता है स्लैक लाइम बनाने के लिए, तो उसमें उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है जिसकी वजह से चेंज हो गया उसके टेम्परेचर में। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन स्टेट एंड और ऑर्डर का देख लेते हैं हम लोग, वैन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, इसका मतलब कि उसका स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं दे चुकी हूँ, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।